मैंने तुझे कितने बजे पढ़ने बुलाया था? ओ, जल्दी वो आते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है। मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ओहो, गेम खेलने में। छोड़, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है? जिसका सिलेबस ज्यादा होगा वही तो पढ़ेंगे। चल सिलेबस निकाल फिर। ओके, तो मैथ्स में आ रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इक्वेशंस, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, पेरिमीटर एंड एरिया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, फैक्टराइजेशन और फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये मैथ्स में PhD तो नहीं करा रहे? चल पहले मैथ्स ही पढ़ लेते हैं, आधा सिलेबस तो यहीं खत्म हो जाएगा। चल पहला क्वेश्चन। मुकेश वेंट 5 किलोमीटर नॉर्थ, 2 किलोमीटर साउथ, 600 मीटर ईस्ट एंड 7 मीटर वेस्ट। वेयर इज मुकेश नाउ? मुकेश इज इधर गजनी और है अल्जाइमर और एक कोरोना में कहाँ निकल रहा है। पुलिस पकड़ के जब डंडे मारेगी ना तो समझ आएगा कि वो अभी कहाँ है। चल चल नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव 2 चीज पिज्जाज एंड समबडी टेक्स हाफ ऑफ 1 पिज्जा, व्हाट विल बी लेफ्ट विद यू? पहली बात, मैं किसी को अपना पिज्जा तो दूंगा नहीं, अगर उसने ले भी लिया तो सीधा। अरे यार, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वही पूछना। और किसी ने मुझसे क्लास में कहा था कि हाइलाइटर ले ले, इम्पोर्टेंट चीजों को हाईलाइट करियो। अब मेरे लिए तो ठहरा सब कुछ इम्पोर्टेंट, तो मैंने पूरी बुक हरी कर डाली। अरे इंटरनेट पे देख लेता। इंटरनेट की तो तू बात ही मत कर। जैसे गूगल क्रोम खुलता है सबसे पहले खुलता है इंस्टाग्राम, उसमें एक पोस्ट दिखती है कि शेयर दिस विथ योर 5 फ्रेंड्स और माता रानी पास करवा देगी। अब फेल होने के डर से तो हर आदमी उसे शेयर करेगा ही ना। और टॉपर्स की तो तू बात ही मत कर यार, अगले दिन एग्जाम है और यहाँ भाई साहब कूली नंबर 1 देख रहे हैं। अरे ये लोग किसी के सगे नहीं होते, 99 आने तक पे रोते हैं। 99% तो हम दोनों का मिला के भी नहीं आता यार। यार पूरा 1 महीना बचा है अभी, पढ़ सकते हैं हम आराम से। चल चल फॉर्मूले आराम से मैं बताता हूँ, रिवाइज हो जाएंगे। चल बता, व्हाट इज अ परपेंडिकुलर लाइन? अ परपेंडिकुलर लाइन इज अ लाइन विद इज परपेंडिकुलर। हो गया तू पास। यार डेट शीट देखना तू, क्या पता एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए। हाँ हाँ देखता हूँ। ओए, एग्जाम्स अगले हफ्ते से हैं और प्रीपोन हो गए।